अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुज्जर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसको करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल की जो मेमोरी है वो कम नहीं होगी। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, तो उसे क्या होगा कि आपके मोबाइल की मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, आपके मोबाइल की जो है वो हैंगिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को मैं दो एप्लीकेशन का बताऊंगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एप्लीकेशन के आइकॉन, एक ये आपको चाहिए होगी और एक ये चाहिए होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक सेटिंग भी करनी है, वो सेटिंग कौन सी आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, तो यहाँ मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर सर्च में जाना है, सर्च में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्टोरेज लिखना है, यहाँ पे मैं स्टोरेज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टोरेज लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आप तीसरे ऑप्शन पे देख सकते हैं लिखा हुआ स्टोरेज, तो मैं इसमें चला जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे जो आपके फोन की स्टोरेज होती है वो सारी यहाँ पे जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे क्लीन स्टोरेज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लीन स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है सेफ टू क्लीन, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल का जो कैश होता है वो सारा दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने ये जो ऐप डाटा है सारा आपने ये क्लियर करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने करना कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऐप कैश डाटा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जितने एप्लीकेशन है सब आप लोगों ने इनको चेक करना है। यहाँ पे मैं सबको चेक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको इन सबको चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए, यहाँ पे मैंने सबको चेक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 1.2 GB जो है वो यहाँ पे कैश है इसका। ये सारा दोस्तों कचरा होता है आपके एप्लीकेशन का, तो आप लोगों ने करना कि इनको क्लियर करना है। यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लियर करूँगा उसके बाद आपने डिलीट करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक रह गया, मैं इसको भी कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने को जो है वो डिलीट कर दी, यहाँ पे मैंने 1.2 जो है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे यहाँ मेमोरी मैंने इसकी क्लीन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मेमोरी ऊपर इंक्रीज हो चुकी है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ अब आप लोगों ने करना क्या है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी कोई एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी। इससे बस ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन का जो कचरा होता है वो डिलीट हो जाता है। अब आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करना, इस दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले एम्प्टी फोल्डर क्लीनर को ओपन करना है। ये दोस्तों क्या करेगी एप्लीकेशन, आपके मोबाइल के जो खाली फोल्डर होते हैं, जो कि ऐसे ही पड़े होते हैं, बहुत सारे फोल्डर होते हैं, उन सबको डिलीट कर देगी। आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर सबसे पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करना, लिखा हुआ है स्कैन एम्प्टी फोल्डर होल डिवाइस, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक परमिशन देनी है, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे अलाउ करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना है कि आप लोगों ने दोबारा से ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन एम्प्टी फोल्डर होल डिवाइस, इस पर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा। और दोस्तों मेरे मोबाइल में जितने भी खाली फोल्डर थे वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 121 फोल्डर जो है वो मेरे डिलीट हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए थे मेरी डिवाइस में, तो ये सारे डिलीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बैक आ जाना और दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे मैं ये देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है डुप्लीकेट फाइल फिक्सर, आप लोगों ने इसको ओपन करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने गॉटेड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप लोगों ने करना क्या है एक एक करके सबको स्कैन करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैन फोटोज़ पे मैंने चेक लगाया हुआ है। उसके बाद मैं स्कैन नाउ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों स्कैनिंग हो रही है, मेरे मोबाइल में जितनी भी डुप्लीकेट फोटोज़ होंगी यानी कि डबल डबल फोटोज़ होंगी वो सारी की सारी फोटोज़ दोस्तों यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे मोबाइल में जितनी भी दोस्तों यहाँ पे देखिए फोटोज़ होती हैं जो है डुप्लीकेट फोटोज़ हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने करना क्या, आपने सिर्फ डिलीट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ओके कर दें। और दोस्तों आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है परमिशन ग्रांट, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो फोटोज होती हैं वो सारी डुप्लीकेट फोटोज डिलीट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने इसको, ठीक है दोस्तों, आपकी फोटोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी सारी की सारी। उसके बाद दोस्तों वीडियोस पे आ जाएंगे, तो आप स्कैन करेंगे तो वीडियोस भी आ जाएंगी, वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपने डिलीट करनी हो डुप्लीकेट आपके मोबाइल में सारी आ जाएंगी, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल की मेमोरी को बढ़ने से जो है वो आप रोक सकते हैं, इससे आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।